हुनरमंदों को बढ़ावा देने के लिए शनिवार से राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हुनर हाट का शुभारंभ रामपुर में हो चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हुनर हाट की शुरुआत की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हुनर हाट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय संसदीय कार्य व संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मैं सबसे पहले आदरणीय नकवी जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं बचपन से रामपुर की कहानी सुन के आया हूं। रामपुर भारत की एक बौद्धिक केंद्र है। आज से लगभग 200 साल पहले यहां के नवाब लाइब्रेरी की कल्पना किए थे। उस इस लाइब्रेरी में पारस्य सभ्यता से, अभी हमारे कमिश्नर हमको बता रहे थे, 8th सेंचुरी 8वीं सदी के हाथ में लिखी हुई कुरान को यहां की राजा यहां के नवाब लेके आए थे। और आज आदरणीय नकवी जी मोदी जी की, योगी जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सदियों से जो रामपुर की विरासत रही है, रामपुर लेता नहीं है, रामपुर दुनिया को देने वाला स्थान है, ऐसे आज नकवी जी ने देश भर की कारीगरों को इकट्ठा बुला के रामपुर की सभ्यता, रामपुर की तहजीब, रामपुर की संस्कृति से जोड़ने का आज अनोखा एक संगम किया है। मैं इसीलिए सबसे पहले नकवी जी को हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। आपने हम सभी को जोड़ा। आज उस दिशा में आजादी की 75 साल के अवसर पे आज के हुनर हाट में जो आने वाले दिनों में देश की कारीगरों की उत्पादित चीजों के एक बहुत बड़ा बाजार बनते हुए मैं दिख रहा हूं। विश्व की जनता अपेक्षा करेगा आने वाले दिनों में कब हुनर हाट की बाजार लगेगी भारत में, कब हम विश्व की पर्यावरण आधारित, विश्व जिसके लिए तरस रहा है, जिसके लिए चिंतित हो रहा है पर्यावरण के लिए, उस पर्यावरण की उत्तर हमारी हुनर हाट में है। वोकल फॉर लोकल, उसकी उत्तर हुनर हाट में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसकी उत्तर हुनर हाट में है। इसलिए मित्रों, आज मैं पुनः जिन शहीदों का आज सम्मानित किया गया, पिछले दिनों में उस 60 दशक की पाकिस्तान के खिलाफ जंग हो या 90 दशक में कारगिल के खिलाफ जंग हो, ऐसे शहीद परिवार को आज हुनर हाट में बुला के सम्मानित किया गया। इसीलिए भी मैं नकवी जी तथा उनकी तमाम टीम का आभार प्रकट करता हूं। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय का 10 दिवसीय प्रोग्राम है हुनर हाट के माध्यम से, और इस हुनर हाट के माध्यम से जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे शिल्पकार हैं, जो हाथ का हुनर जानते हैं, जिनके हाथों में भगवान ने, खुदा ने कला दी है, वो अपनी मेहनत से, परिश्रम से जो आइटम बनाते हैं, वो प्रधानमंत्री जी के एक मूल मंत्र आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल, इस दृष्टि से उनको प्रॉपर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिले, इस उद्देश्य से अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। करीब हुनर हाट में 30 से ज्यादा राज्यों के हमारे जो शिल्पकार हैं वो भाग ले रहे हैं, दस्तकार हैं वो भाग ले रहे हैं। ये 10 दिवसीय हुनर हाट में उनके सामान की बिक्री रामपुर में बहुत अच्छी हो, ई मार्केटिंग के माध्यम से भी उनकी बिक्री हो, और ये रामपुर की हुनर हाट
अपना एक माइलस्टोन तय करें। नकवी साहब के नेतृत्व में ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं इस्लामपुर के हुनर हाट के लिए। बशीर बद्र ने कहा है, हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी हम चल पड़ेंगे रास्ता मिल जाएगा। ऐसे हुनर हाट में हमारे दस्तकार आए हुए हैं, उनकी जीवन की सफलता की हम कामना करते हैं। उस्ताद के माध्यम से उनको ई प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, स्किल डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। तो ये जो ऑल इंडिया के जितने भी दस्तकार हैं, जो हाथ का हुनर जानते हैं, अपने घर पे काम करते हैं वोकल फॉर लोकल, इससे सुंदर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, इससे सुंदर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। नकवी साहब को और उनके मंत्रालय को जितनी ताली बजा करके स्वागत करना चाहिए, हमें करना चाहिए। नकवी साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।